हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड में इस साल कई बड़ी फिल्मों के बीच क्लैश देखने को मिलने वाला है। वहीं साल 2020 में भी सलमान से लेकर अक्षय, कार्तिक आर्यन से लेकर आयुष्मान और तो और अजय देवगन से लेकर दीपिका के बीच बॉक्स ऑफिस पर भिड़ंत होने वाली है। वहीं अब लीजिए साल 2020 का सबसे बड़ा क्लैश होगा आमिर और अजय देवगन के बीच। हाल ही में हमने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि आमिर की लाल सिंह चड्ढा और ऋतिक की क्रिश 2020 के क्रिसमस पर भिड़ने वाली है, लेकिन अब अजय और रणबीर कपूर भी इस भिड़ंत में कूद पड़े हैं। बता दें कि साल 2020 की क्रिसमस पर अजय और रणबीर की फिल्म भी रिलीज होगी, जिसे लव रंजन डायरेक्ट करने वाले हैं। एक ही दिन तीन तीन बड़ी फिल्मों के रिलीज होने से बॉक्स ऑफिस पर तूफान आना तो लाजमी है। जहां एक तरफ अजय आमिर से बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए तैयार है, वहीं बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म का नाम सुनकर वो भाग खड़े होने की बात कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में अजय ने अपनी अगली फिल्म दे दे प्यार दे के प्रमोशन के दौरान अपनी नई फिल्म के क्लैश होने को लेकर बात की। बता दें कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा और अजय देवगन की अनटाइटल फिल्म क्रिसमस 2020 के मौके पर रिलीज की जा सकती है, और इसी दिन हॉलीवुड फिल्म अवतार 2 के भी रिलीज होने की खबरें हैं। वहीं इस महा क्लैश की खबरों पर अजय ने एक बातचीत में कहा, मुझे क्लैश के बारे में ज्यादा नहीं पता, इसका फैसला फिल्म के डायरेक्टर लव करेंगे। मैंने ये सुना था कि उसी दिन अवतार 2 भी रिलीज हो रही है, अगर ऐसा होता है तो मैं और आमिर दोनों ही भाग खड़े होते। अवतार एक बड़ी फिल्म है। तो सुना आपने, अजय ने ये साफ कह दिया कि अवतार 2 से भिड़ना ना ही तो उनके बस की है और ना ही आमिर के। वैसे भी अवतार 2 2020 के क्रिसमस पर नहीं बल्कि 2021 के क्रिसमस पर रिलीज होगी। ऐसे में अजय और आमिर की ही टक्कर होना तो तय है। वैसे आप आमिर और अजय में से किसकी फिल्म को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।